पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान को कश्मीर पर ट्वीट करना भारी पड़ गया है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स रिजवान को पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल 5 फरवरी को पाकिस्तान कश्मीर एकता दिवस मनाने का दावा करता है। इसी को लेकर रिजवान ने एक ट्वीट किया। मोहम्मद रिजवान ने लिखा, मेरा दिल, दुआएं और दर्द कश्मीर और कश्मीरियों के साथ है। अल्लाह पाक आप सबके लिए बेइंतहा आसानी करे, आमीन। इस ट्वीट के बाद लोग पाकिस्तान को आईना दिखाने लगे और वहां की मौजूदा आर्थिक संकट को लेकर लोग रिजवान को ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा, जल्दी जल्दी कश्मीर पर ट्वीट कर देता हूं, फिर आटे की लाइन में भी लगना है। बता दें कि आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में इन दिनों आटे की भी किल्लत हो गई है। लोगों को आटे के लिए लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। रिजवान को पाकिस्तानी सरकार की हकीकत बताते हुए दूसरे यूजर ने लिखा, इतनी ही चिंता है तो आतंकवादियों को कश्मीर भेजना छोड़ दो। खालिद बेग नाम के एक यूजर ने लिखा, मेरा भी दिल, दुआएं और दर्द पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या कश्मीरियों के साथ है। अल्लाह पाक आप सबके लिए बेइंतहा आसानी करें, आमीन। इसके अलावा भी कई लोग चीन के उइगर मुसलमानों और पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान पर हो रहे अत्याचारों पर सवाल उठाकर रिजवान को घेरते दिखे। हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडरिटी डे मनाता है। इस दिन वहां नेशनल हॉलिडे होता है। पाकिस्तान बताता है कि इसके जरिए वो खुद को कश्मीरियों के समर्थन में खड़ा दिखाना चाहता है। पहली बार साल 1990 में पाकिस्तान में जमाते इस्लामी पार्टी के काजी हुसैन अहमद ने कश्मीर दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। साल 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर सॉलिडरिटी डे स्ट्राइक के लिए अपील की। शरीफ तब जमात की मदद से ही सत्ता में आए थे। कश्मीर एकता दिवस मनाने की शुरुआत साल 2004 में की गई थी। हालांकि पाकिस्तान कश्मीर के कितना साथ है और कश्मीर की बर्बादी में उसका कितना हाथ है, ये तो सबको पता ही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कश्मीर सॉलिडरिटी डे पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आज सभी पाकिस्तानी कश्मीरियों के लिए समर्थन करने आया है। भारतीय कश्मीर के लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आजादी की मशाल को जलाए रखा है। अपनी इस ट्वीट पर शहबाज शरीफ भी ट्रोल हो गए। उन्हें लोगों ने पाकिस्तान के हालात पर ध्यान देने की नसीहत दी। अपने देश की हालत ठीक करने के लिए पाकिस्तान अलग अलग देशों और वैश्विक संस्थानों से लगातार कर्ज मांग रहा है, लेकिन अब तक पाकिस्तान को कोई खास मदद नहीं मिली है और वहां स्थिति बदतर होते जा रही है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।